नमस्कार मित्रों, मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। मित्रों, स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होता है कि किसी शेयर के बारे में हम कहाँ से जानकारी प्राप्त करें, कौन सा ऐसा माध्यम है, कौन सा ऐसी वेबसाइट है जहाँ से हमें कंप्लीट सूचना प्राप्त हो किसी शेयर के संबंध में। तो आज मैं कुछ वेबसाइट और कुछ एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ से कि हमें किसी भी शेयर के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में हमें पूर्ण जानकारी मिल सकती है। इसके अतिरिक्त इन वेबसाइटों से या इनके एप्लीकेशन से हमें न्यूज़, हमें कई तरह की रिकमेंडेशन और कई तरह के उसमें मंच मिलते हैं जहाँ से हमें अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले जिस वेबसाइट की मैं बात करूँगा मित्रों, वो है NSE और BSE। पहले नंबर पर है NSE और BSE। NSE बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी शेयर के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में, उसके वॉल्यूम, उसके कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के टेक्निकल लेवल, कंपनी का जो प्राइस की जो हिस्ट्री है, वो सभी जानकारियां इस वेबसाइट पर मिलती है। कितना वॉल्यूम हुआ है, कितने दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है और यहाँ तक कि कुछ चार्ट भी उपलब्ध होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे सटीक और सबसे अच्छी जो सूचना होती है वो BSE और NSE पे ही मिलती है। उनके आंकड़े पूर्ण विश्वसनीय होते हैं और जितने भी मार्केट के एक्सपर्ट अपने निवेश संबंधी निर्णय लेते हैं वो इन्हीं के आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेते हैं। दूसरा जो वेबसाइट है मित्रों, यह एप्लीकेशन है, वह है मनी कंट्रोल। स्टॉक मार्केट के मामले में सबसे ज्यादा लोकप्रिय एप्लीकेशन जो है आपका मनी कंट्रोल है। मनी कंट्रोल ऐप CNBC जो ग्रुप है उसके द्वारा ऑन किया जाता है और इसमें जो है शेयर की जानकारी लेने के साथ साथ म्यूचुअल फंड की जानकारी, तमाम तरह की खबरें, एक तरह से देखा जाए तो मनी कंट्रोल जो है एक कंप्लीट साइट है, पूर्ण साइट है। इसमें वो सारी सूचनाएं मिलती हैं जिन सूचनाओं की आवश्यकता होती है निवेश के संबंध में। यहाँ तक कि इस पे मार्केट के जो रिटर्न इन्वेस्टर हैं या जो मार्केट में वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं उनके भी समय समय पर इंटरव्यू प्रकाशित होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त टेक्निकल ज्ञान भी दिया जाता है, फंडामेंटल, किसी शेयर का फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए वह भी बताया जाता है, किस किस ब्रोकर हाउस ने किस स्टॉक पर क्या रिकमेंडेशन दे रखी है, बाय दे रखी है कि सेल दे रखी है, सभी की जानकारी आपको मनी कंट्रोल एप्लीकेशन पर मिलती है। मनी कंट्रोल एप्लीकेशन की एक बहुत अच्छाई है मित्रों कि यह बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है। आप दो चार बार यूज करेंगे तो बिल्कुल आपको फ्रेंडली हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना एक पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, वॉचलिस्ट भी बना सकते हैं, पोर्टफोलियो में जितने चाहे उतने शेयर आप जोड़ सकते हैं। यह आपके आंकड़े को सुरक्षित भी रखता है। इसके अतिरिक्त किसी शेयर पर निवेशक और ट्रेडर क्या सोचते हैं उसका भी एक खुला हुआ मंच दे रखा है, जहां पर ट्रेडर, हमारे और आप जैसे ट्रेडर और निवेशक अपनी अपनी राय देते रहते हैं। तो कुल मिला के मनी कंट्रोल ऐप भी एक ऐप है। तीसरा स्क्रीनर। स्क्रीनर बहुत तेजी से पॉपुलर होता हुआ वेबसाइट है मित्रों और इसके भी आंकड़े बहुत विश्वसनीय है। स्क्रीनर की खासियत ये है मित्रों कि जैसा कि नाम ही है स्क्रीनर, तो छंटनी कर देता है। आप इस पे अपने फार्मूले बना करके इसमें सेव कर सकते हैं, उस फार्मूले के अनुसार कौन कौन सा शेयर फिट बैठता है उसको ये जानकारी देता है। किसी भी शेयर के बारे में उसके फंडामेंटल जानकारी, उसका चार्ट, उसका सेल्स ग्रोथ, उसके आंकड़े,
क्वार्टरली रिजल्ट, वार्षिक रिजल्ट, सभी के सभी इसके अंदर मिलता है। इसके में बहुत ही तेजी से पॉपुलर होता हुआ वेबसाइट है अपने देश में, बहुत तेजी से, बहुत सारे लोग इसको आज यूज करते हैं। मैंने तो देखा है कि मार्केट में जितने भी निवेशक हैं मनी कंट्रोल से ही ज़्यादा, BSE NSE से ही ज़्यादा स्क्रीनर का उपयोग करते हैं। स्क्रीनर में किसी भी पर्टिकुलर शेयर के पीयर्स कितने, कौन कौन से शेयर्स हैं, उनके वैल्यूएशन क्या है, सब कुछ आंकड़े इसमें दिए रहते हैं। चौथा, ईटी मार्केट। ईटी मार्केट यह इकोनॉमिक टाइम्स वालों का एक ऐप है, यह भी एक बहुत बेहतरीन ऐप है। इस एप्लीकेशन में हम इकोनॉमिक टाइम्स में जो खबरें देती है उस खबरों को भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं, यहाँ भी मनी कंट्रोल की तरह से इंटरव्यू रिकमेंडेशन, कौन कौन से शेयर आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से शेयर मल्टीबैगर हैं, सभी की जानकारी ईटी मार्केट में दिया रहता है। ईटी मार्केट में और भी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी हैं, इसमें आपके फिल्टर करने का एक माध्यम है, जहाँ पर कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो MACD से चार्ट के आधार पर बाई सिग्नल दिए हुए हैं, कितने ऐसे हैं जो सेल के आधार पर सिग्नल दिए हुए हैं, कितने ऐसे शेयर्स हैं जो पिछले साल से लगातार बढ़ रहे हैं, तमाम फिल्टर्स उसमें दिए गए हैं। हम इसको जितनी बार यूज करेंगे, जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे इसके बारे में जानकारी मिलनी शुरू होती है। और पांचवा एक बेहतरीन ऐप है मित्रों, और हाल ही में डिजाइन किया गया है और बहुत तेजी से पॉपुलर होता हुआ ऐप है, वो है स्टॉक एज ऐप। इस एप्लीकेशन को हाल ही में डेवलप किया गया है और बहुत तेजी से पॉपुलर होता जा रहा है। ये जो एप्लीकेशन है फ्री भी है, पेड भी है, पेड जाने पर अलग सर्विस है, उनकी कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन फिलहाल फ्री यदि एप्लीकेशन को भी हम यूज करते हैं तो काफ़ी हद तक हमें उचित जानकारी इससे प्राप्त हो जाती है। और मौजूदा समय में मित्रों सबसे बेहतरीन स्टॉक फिल्टर करने का जो एप्लीकेशन है, स्क्रीनर के बाद देखा जाए तो स्टॉक एज ऐप है। स्टॉक एज ऐप जो है शाम के 7 बजे के बाद वो आंकड़े अपने एप्लीकेशन पे लोड कर देता है, जिसमें हम यह चेक कर सकते हैं कि आज कितने स्टॉक 52 में हाई हुए, आज कितने स्टॉक 200 दिन के सिग्नल एवरेज के ऊपर हुए हैं, कितने स्टॉक ऐसे हैं। कुल मिलाकर के इसमें फंडामेंटल स्कैन भी है, प्राइस स्कैन भी है, टेक्निकल स्कैन भी है, इसके अतिरिक्त वॉल्यूम डिलीवरी सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। और मेरा अपना मानना है मित्रों कि यदि हम इस स्टॉक एज ऐप और मनी कंट्रोल को दोनों को मिक्स करके यूज किया जाए तो बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलती आती है। और स्टॉक एज बहुत बेहतरीन ऐप है, अब तक मुझे यूज करने के बाद सबसे अच्छा जो एप्लीकेशन है वो स्टॉक एज ऐप लगा है। हालांकि स्टॉक एज ऐप में उस तरीके का न्यूज़ नहीं देता है जिस तरीके का न्यूज़ आपके मनी कंट्रोल पे या इकोनॉमिक टाइम्स से देता है, लेकिन फिर भी स्टॉक खोजने के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिल्टर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बना बनाया फार्मूला लगा हुआ अपने आप देता है। यहाँ पर जो दिग्गज निवेशक हैं उनकी एक्टिविटी भी हम चेक कर सकते हैं। इस प्रकार और भी कई साइट हैं मित्रों, लेकिन मुझे जो दिखा और जो मैं यूज करता हूँ उन्हीं एप्लीकेशन को मैंने आपको बताया है। इसमें से किसी एक ऐप को या और भी सारे ऐप को भी एक साथ मिला करके भी यूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी हम एक दो ऐप का और भी नाम हम बता देते हैं इनको। छठे नंबर पर है investing.com। investing.com ये वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन काम करता है, इसमें हमको अपने इंडिया का सेट करना पड़ता है। और इसकी अच्छाई यह होती है मित्रों, जो मैंने अब तक इसमें देखा है, कि जिस भी स्टॉक को या जिस भी पोर्टफोलियो को आप इसमें चेक करिए, उसका चार्ट भी दिया रहता है, उसका टेक्निकल स्कैन भी दिया रहता है, फंडामेंटल स्कैन भी दिया रहता है। तो जो टेक्निकल दिया रहता है, टेक्निकल में बहुत अच्छा होता है। आप जैसे Nifty 50 पे हम गए, वहाँ पर investing.com खोलें, Nifty 50 खोलें, तो Nifty 50 को जैसे खोलेंगे उसमें एक जगह 50 लिखा रहता है,
उस 50 को जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही निफ्टी के सभी 50 शेयरों की सूची खुल करके आ जाती है, और उन जो 50 स्टॉक खुल के आते हैं उसमें भी आपके फंडामेंटल, टेक्निकल और भी कई चीज़ें दिया जाता है। हमने टेक्निकल पर क्लिक कर दिया, जैसे ही हम टेक्निकल पर क्लिक कर देते हैं तो 50 स्टॉक की मित्रों मंथली, वीकली, डेली, आवरली आधार पर क्या ये बाई है, क्या सेल सिग्नल है, क्या स्ट्रांग बाई है, पूरा स्पष्ट फिगर देता है। यदि investing.com के निफ्टी के 50 शेयरों पर फोकस किया जाए और उसमें से जिन शेयरों को ये स्ट्रांग बाई बता रहा है हम उसको सभी कालम को देखें, वीक, डेली, वीकली, मंथली, यदि तीनों में स्ट्रांग बाई बता रहा है उसको हम शेयर को अपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शामिल करें तो कुछ ही दिनों में अच्छा रिटर्न बढ़ के आता है। बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, बहुत बढ़िया टूल है। और एक और है सातवा, अपस्टॉक। ये भी फ्री में किसी भी स्टॉक का, किसी भी शेयर का चार्ट देता है और चार्ट बिल्कुल टाइमली चला करता है। ये फ्री है, ये सभी साइटें फ्री भी है, पेड भी है, हम जिसको चाहे उसको यूज कर सकते हैं। तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जानकारी कुछ प्राप्त हुई होगी। वीडियो कैसा लगा कृपया जानकारी दें, यदि अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें, शेयर भी करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।